नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोशल मीडिया पर चारों तरफ ये वीडियो फैला हुआ है कि कौन सी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आज मैं सिर्फ तीन बातें लेकर आया हूँ जो किसी को कभी भी किसी भी हालात में शेयर ना करें। अगर शेयर करेंगे तो नुकसान आपका है और अगर शेयर नहीं करेंगे तो आपका फायदा है। अब आप अपने जीवन में नुकसान या फायदा क्या लेना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन चंद बातें हैं जिन्हें जीवन में सीक्रेट रख के आप अपनी तरक्की कर सकते हैं। नंबर एक, अपनी आर्थिक स्थिति। इस वर्तमान में आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है अच्छी है या बुरी है ये आप जानते हैं, लेकिन उसको किसी से शेयर ना करें। लोग मौका देखते हैं आपको कटाक्ष करने में, आपको चीट करने में कोई भी देर नहीं लगाएगा, इसलिए सीक्रेट से सीक्रेट बात दूसरों को बता दें, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है किसी को कभी ना बताएं। लोग उसका फायदा उठाने में देर नहीं लगाएंगे। नंबर दो, आपका कोई राज चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो पारिवारिक हो कभी भी किसी को शेयर ना करें। अगर कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपनी कब्र खुद खोद ली है। आपके साथ जो गुजरेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि कोई भी व्यक्तिगत राज या आपके परिवार का राज कभी किसी से शेयर ना करें। ये आपको बहुत सिरदर्द दे सकता है, आपको जीवन में बहुत परेशान कर सकता है। नंबर तीन, खुद की अयोग्यता। आप कितने योग्य हैं इसका बखान कर सकते हैं, लेकिन आपकी अगर कोई अयोग्यता है तो उसका कभी भी बखान ना करें, कभी भी किसी के सामने शेयर ना करें। लोग योग्यता कम अयोग्यता में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आपको कटाक्ष करने से, आपको चीट करने से, आपको नीचा दिखाने से कभी भी कोई पीछे नहीं हटेगा। ये चीजें बताने से आपको जीवन में लोगों से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि हर तरफ से आपका नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को पता चलेगा आपके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो जाएगा, आप अपना सम्मान खो बैठेंगे। पारिवारिक या निजी राज अगर किसी को बता देंगे तो लोग आपके सामने ना सही पीछे आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आप हंसी का पात्र बनकर रह जाएंगे और कभी भी लोगों को फेस नहीं कर सकेंगे। ये आपके लिए बहुत दुखदायी होगा, इसलिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि कृपया आप ऐसा कभी कुछ ना करें, अगर करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।